नमस्कार नमस्कार, मैं सुनील ध्यानी। मैं मनजीत ध्यानी। चैनल दिव्य के माध्यम से, जिन्हें आप प्रतिदिन चैनल दिव्य पर देखते हैं, आप सभी का हमें भरपूर सहयोग, प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। हम दोनों मिलकर आपसे अपील करते हैं। हमारी आपसे बस यही गुजारिश है कि आप जितना हो सके अधिक से अधिक रक्तदान में हिस्सा लें और थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों की जितनी हो सके मदद करें। आप सभी जानते हैं कि सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग आते हैं इस वर्ग में, उन सभी को इस कोरोना जैसी महाबीमारी से निजात दिलवाने के लिए टीकाकरण का अभियान शुरू किया है। मेरी आपसे अपील है कि आप अवश्य टीका लगाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। थैलेसीमिया, जी हाँ, थैलेसीमिया एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसमें 15 से 20 दिनों के अंतराल में रक्त को बार बार शरीर पर चढ़ाना पड़ता है और फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया एक ऐसी समाज सेवी संस्था है जो निरंतर छोटे बच्चे जो थैलेसीमिया नामक इस बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए निरंतर सेवा में लगी है और समय समय पर उनको ब्लड चढ़ाना और दवाइयाँ मुहैया करवानी और अन्य सहायता उनको प्रदान करते हैं। 18 से 45 साल आयु वाले लोग ही सामान्यतः ब्लड डोनेट करते हैं। उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है ब्लड डोनेशन में। मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा, क्योंकि आपका दिया हुआ रक्त किसी का जीवन बचा सकता है। एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप जो सरकार ने फैसला लिया है वैक्सीनेशन का, 18 से 45 साल के जो लोग हैं, यदि वो इस वैक्सीनेशन अभियान से पहले, वैक्सीनेशन अभियान का मतलब है कि कोरोना की बीमारी के लिए जो वैक्सीनेशन लोगों को लगाई जा रही है, इस अभियान से पहले यदि आप रक्तदान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपने कोरोना की वैक्सीनेशन लगा ली तो डॉक्टरों के अनुसार आप 2 महीने के बाद अपना रक्तदान कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि जिन्होंने वैक्सीनेशन अभी नहीं लगाई है तो ज़रूर वैक्सीनेशन से पहले रक्तदान करें। रक्तदान एक महादान है और आप सभी इस महादान के अभियान में अवश्य जुड़ें। थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चे जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, हर 15 से 20 दिनों के बाद उनको नया रक्त चढ़ाया जाता है और उनको रक्त की बहुत अत्यंत आवश्यकता रहती है। आपका छोटा सा प्रयास उनको जीवन दान दे सकता है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि रक्तदान के अलावा यदि आप अन्य किसी साधन से इस फाउंडेशन की मदद करना चाहते हैं, इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं, तो अवश्य जुड़ें। जैसे आप दवाइयाँ दे सकते हैं, इस संस्था को आर्थिक मदद दे सकते हैं, व अन्य कोई भी साधन, यदि आप किसी साधनों से मदद करना चाहें तो आप अवश्य करें। फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया के 2 गणमान्य पदाधिकारी हैं, आदरणीय श्री रविंद्र डुडेजा जी और आदरणीय श्री हरीश रत्रा जी। आप इनसे फ़ोन नंबरों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और जो भी सहायता देना चाहें अवश्य दे सकते हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि नर सेवा ही नारायण सेवा होती है, इसको आप कभी ना भूलें। अगर आपने किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सेवा कर दी तो समझना आपने भगवान को पा लिया। और किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति की यदि आप सेवा करते हैं तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि आप ईश्वर के और निकट चले जाते हैं और ईश्वर की कृपा आपको सदैव सदैव हमेशा प्राप्त होती है। आप सभी लोगों के अच्छे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए मैं पुनः आपसे अपील करता हूँ कि रक्तदान अवश्य करें। फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया जो पिछले 25-30 सालों से थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों की निरंतर सेवा करती आ रही है, हम दोनों भी इस संस्था का एक अहम हिस्सा हैं और हम चाहते हैं आप सब भी इस संस्था का एक हिस्सा अवश्य बनें।